नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आपके सामने कुछ रोचक जानकारी के साथ स्वांग साम्राज्य के साथ आया हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके सामने और भी रोचक जानकारी के साथ आता रहूँ और आपको मेरी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जानते हैं हमारे प्राचीन साम्राज्यों में से एक स्वांग साम्राज्य के बारे में। स्वांग साम्राज्य मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, जो मध्य और पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 184 से 75 ईसा पूर्व के नियंत्रित क्षेत्र में था। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन लेने के बाद पुष्यमित्र स्वांग ने स्वांग राजवंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में कुछ स्वांग सम्राटों ने पूर्वी मालवा में वसनगर में दरबार लगाया था। पुष्यमित्र स्वांग ने 36 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद उनके पुत्र अग्निमित्र को उनका उत्तराधिकारी बनाया। 10 स्वांग शासक थे। हालांकि दूसरे राजा अग्निमित्र के बाद साम्राज्य में तेजी से विघटित हो गया। स्वांग राजवंश विदेशी और स्वदेशी शक्तियों के साथ अपने कई युद्धों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कलिंग, सतावना, इंडो यूनानी साम्राज्य और मथुरा के पंचाल के साथ कई युद्ध लड़ी थी। इस अवधि के दौरान कला, शिक्षा, दर्शन और सीखने के अन्य रूप को शामिल किया गया, जिसमें छोटी टेराकोटा की छवियां, बड़े पत्थरों की मूर्ति, बहरूट के स्तूप जैसे स्मारक और सांची के प्रसिद्ध महान स्तूप शामिल हैं। इस साम्राज्य में इस्तेमाल करने वाली लिपि ब्रह्मी लिपि थी। स्वांग साम्राज्य ने उस समय संस्कृत को संरक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब हिंदू विचार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास हो रहा था। पतंजलि के महाभाष्य की रचना इसी काल में हुई थी। स्वांग सम्राट में से अंतिम देवभूति थे। उनके मंत्री वासुदेव कन्नव ने उनकी हत्या की थी और इसी के बाद कन्नव वंश का प्रारंभ हुआ। युद्ध और संघर्ष स्वांग काल की विशिष्टता थी। इस अवधि में इंडो ग्रीक साम्राज्य के साथ स्वांग के युद्ध बहुत अधिक हैं। लगभग 180 BCE से ग्रीक बैक्ट्रियन शासक डर्मेटिडियस ने काबुल घाटी पर विजय प्राप्त की और स्वांग का सामना करने के लिए ट्रांस इंडीज में आगे बढ़ने के सिद्धांत लिए। इंडो ग्रीक मेंडेर प्रथम को अन्य भारतीय शासकों के साथ पाटलिपुत्र में एक अभियान में शामिल होने का श्रेय दिया जाता है। पुष्यमित्र ने सम्राट बृहद्रथ को मार डाला था और कुछ भिक्षुओं को भी मार डाला था। पुष्यमित्र ने भिक्षुओं को सताने के लिए पाटलिपुत्र और पंजाब के सकाला, जो आज सियालकोट है, वहां तक सेना भेजी थी। इंडो यूनानियों को भारतीय द्वारा यवन या डर्मेटियस को मंदार कहा जाता था। स्वांग कला शैली सही मौर्य कला शैली से कुछ अलग थी, जो फारसी कला शैली से प्रभावित थी। लोक कला के निरंतर तत्व और लोकप्रिय देवी के गुण लोकप्रिय कला में दिखाई देते हैं, लेकिन अब अधिक स्मारक रूप में अधिक कौशल के साथ उत्पन्न होते हैं। स्वांग शैली को स्वदेशी रूप में वर्णित किया जाता है। इस अवधि के दौरान कला, शिक्षा, दर्शन और अन्य शिक्षा विकसित हुई। विदेशी रूप से पतंजलि के युग स्तर और महाभाष्य की रचना इसी काल में हुई है। यह मल्लिकाग्निमित्र में इसके बाद के उल्लेख के लिए भी जाना जाता है। इस कार्य की रचना कालिदास ने गुप्त काल में की थी। उपमहाद्वीप पर कलात्मक भी मथुरा स्कूल के उदय के साथ आगे बढ़ी, जिसे अफगानिस्तान के गांधार स्कूल और भारत के उत्तर सीमा के स्वदेशी समकक्ष माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। कमेंट बिलो इफ यू गेट सम नोन एंड अननोन।